नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज पंचायती राज चुनाव को लेकर के कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और संभवतः जुलाई के अंत तक चुनाव हो जाएं। दुष्यंत चौटाला आज फतेहाबाद के गांव जांडली में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि अगर इस बीच कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो चुनाव का शेड्यूल को बदला जा सकता है। बिहार के चुनाव का शेड्यूल देख करके चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बोलते हुए कहा कि अनलॉक की घोषणा के बाद कोरोना के केसों में जरूरी वृद्धि हुई है, मगर प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए माकूल प्रबंध भी किए हैं। 423 बसों में मेडिकल यूनिट स्थापित किए गए हैं जो कि ग्रामीण स्तर पर जाकर के लोगों की जाँच कर रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना रिकवरी रेट प्रदेश में बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में प्रदेश तीसरे नंबर पर है। वहीं उन्होंने कहा कि हाल ही में आंधी तूफान के कारण प्रदेश में विभिन्न इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर बिजली निगम का। फतेहाबाद के टोहाना इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली के खंभे गिरे हैं और ट्रांसफार्मर पर भी गिर गए हैं, इससे कई जगह बिजली सप्लाई बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि चूँकि इस समय धान की बिजाई का और उसकी फसल का मामला है, इसलिए यहाँ बिजली की उपलब्धता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिजली निगम के CMD को विशेष तौर पर आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द बिजली के खंभों की मरम्मत का काम पूरा किया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। बरसात के कारण प्रदेश में तीन बड़ी मंडियों में गेहूं की फसल खराब होने के मामले में उन्होंने आज ही चंडीगढ़ में अधिकारियों की एक टीम से संबंधित क्षेत्र में आएगी और जाँच के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ और उसकी कीमत उससे वसूली जाएगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी समस्याएं भी रखी। पल पल फतेहाबाद से राजेश बाबू की विशेष रिपोर्ट। हम सब ने इस महामारी के 90 दिनों के सरकार का साथ दिया जागरूकता बढ़ाने के लिए और कैसे लोग इस महामारी से बचे उसके लिए आभार प्रकटना सरकार साथी ने अपनी जिम्मेवारी को बड़ी निष्ठा से निभाया और जहाँ कोई जागरूकता बढ़ाने की जरूरत थी, कहीं कोई चेंजेस करने की जरूरत थी, निरंतर धीरे धीरे जैसे अनलॉक आया है नंबर ऑफ केसेस जरूर बढ़े। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर भारत में तीसरे सबसे ज़्यादा नंबर की टेस्टिंग हमारी सरकार ने और रिकवरी रेट भी पूरे देश के अंदर वन ऑफ द बेस्ट अगर कहीं है तो हमारे मेडिकल स्टाफ की बदौलत हरियाणा की। सीरियस कंसर्न जरूर सामने है कि इकॉनमी को कैसे रिवाइव किया जाए और उसके लिए हमने इंडस्ट्री लेवल पर स्पेशल डायरेक्टरेट बनाई है। 9 पॉइंट एजेंडा के ऊपर, चाहे काउंसलिंग की बात हो, चाहे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बैंक फाइनेंशियल की बात हो, एक एक MSME का सहयोग है। और एक नई चीज केवल मात्र हरियाणा ने शुरू की, हमने 22 के 22 जिलों में एक एक नोडल अफसर DIC के अंडर लगाया है जो केवल मात्र आत्मनिर्भर भारत स्कीम के माध्यम से ये फाइनेंशियल सपोर्ट MSME को एक्स्ट्रा मिलना है उसको मॉनिटर करकर उसको प्रस्यू करके इंडस्ट्री को दिलवाने का काम। साथ में जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स थे उनको भी पूरे स्केल पे दोबारा हमने शुरू करने का काम किया है, चाहे वो सड़क के हो, चाहे बिल्डिंग्स के, चाहे हमारे मेडिकल हॉस्पिटल के बनाने की बात हो। जिस प्रकार से आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने की बात हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने ब्लॉक स्तर पर, जैसे हमने बसों पर 425 बसों पर मेडिकल यूनिट्स बनाकर गांव दर गांव भेजे हैं, उस तरह के मोबाइल यूनिट्स को और एक्टिव करने का काम है। एक जरूर बारी बारी
इस बेमौसम बारिश की वजह से सेटबैक एग्रीकल्चर सेक्टर में आता रहा है। मुझे आज ही पता चला टवाणा के अंदर भी जो तूफान आया उसकी वजह से सैकड़ों बिजली के खंभे गिरे। मैं उस पर CMD को डायरेक्ट भी करूँ कि तुरंत प्रभाव से उनको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो पैडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस समय बिजली की उपलब्धता नहीं मिली तो पिलर भी बदले कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इफेक्ट करेगा। साथ में जिस प्रकार से 3 मंडियों के अंदर अनाज खराब हुआ, कंप्लेंट मेरे पास 1-2 और छोटी मंडियों की भी है, उसके लिए आज स्पेशल टीम हम चंडीगढ़ से भेज रहे हैं। तो उसके अंदर जो कमियां रही, चाहे लिफ्टिंग में चाहे प्रोक्योरमेंट होने के बाद उनको कवर करने में, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ खासतौर पर नारनौल में, बाईस में और नगूड़ा में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम। और कई जगह आज मैंने देखा अखबार में भी छपी हुई है और भी कि पंचायत चुनाव जल्दी है। पंचायत चुनाव का जो टेन्योर है उस टेन्योर के पूरे होने पंचायत के आगामी चुनाव, सरकार अपनी ओर पर तैयारियों में जुट चुकी है। डायरेक्शन हमने जो हमारे इलेक्शन कानून है उनको दे दिया, तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का था। अगर डिले होने वाली बात पूरी तौर पर कि हम तैयार भी हैं और टाइमली उस चुनाव कराने के पक्ष में, अगर कोरोना बढ़ता है और बिहार के चुनाव डिले होते हैं वो समय में कॉल ली जाए, तो मगर प्रिपेयरनेस के तौर पर डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई पूरी गति से आगे। पूरा समय कौन सा है चुनाव? अगर चुनाव की डेट की बात करें तो जनवरी 2017 में चुनाव है, अगर जो टेन्योर है वो जुलाई एंड तक है, क्योंकि उसके अंदर 6 महीने प्रतिबंध रिपोर्ट का रहा। टेक्निकली यदि से उसको डिलीट नहीं किया जो भी तिथि बनेगी